प्लेन प्लेन कल भी हम बताए थे प्लेन के बारे में, आज भी देखिए प्लेन। समतल के समीकरण समतल के समीकरण समतल के समीकरण एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू 12 को अविलंब रूप में व्यक्त करें, को अविलंब रूप में व्यक्त करें तथा दिक् को जाए एवं तथा दिक को जाए दिक को जाए डायरेक्शन को साइन को जाए एवं मूल बिंदु से इस पर एवं मूल बिंदु से इस पर डाले गए लंब की माप इस पर डाले गए लंब की माप डाले गए लंब की माप ज्ञात करें। अब देखिए मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण स्टैंडर्ड प्लेन का इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। इससे तुलना हम करें, दिए हुए प्लेन का इससे अगर हम तुलना करें तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस टू, सी इज इक्वल टू माइनस टू। अब हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। अब जो ये समीकरण दिया है, इस समीकरण में दिए हुए समीकरण में 3 से डिवाइड कीजिए
दिए गए समीकरण में तीन से भाग देने पर, थ्री से डिवाइड करने पर, भाग देने पर, 1/3x माइनस 2/3y माइनस 2/3z इज इक्वल टू 4। अब इसकी तुलना हम यह अभिलंब का रूप समीकरण है, इसकी तुलना अगर हम lx तुलना कर रहे हैं lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी सी, तो दिक को जाए एल इज इक्वल टू 1/3, एम इज इक्वल टू माइनस 2/3 और एन इज इक्वल टू माइनस 2/3। यह दिक को जाए हैं एल एम एन, यह क्या है, यह दिक को जाए और डाले हुए लंब की माप हो जाएगी डाले हुए लंब की माप पी बराबर हो जाएगा 4। पी बराबर 4। तो दो प्रश्न थे, एक तो समीकरण हो गया यह अभिलंब रूप में और दिक को जाए हो गई या लम यन और मूल बिंदु से डाले हुए लंब की माप, तीनों क्वेश्चन आपके इसमें हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतलों 2x प्लस वाई समतलों 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 6z प्लस 18 इज इक्वल टू 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 0 के बीच का न्यून कोण, के बीच का न्यून कोण, न्यून कोण ज्ञात करें, बीच का न्यून कोण ज्ञात करें। देखिए हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर, हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यह होता है दो समतलों के बीच का कोण cos के रूप में। अब हम a1 a2 b1 b2 सबका मान रखा जाए, a1 इज इक्वल टू होगा 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -2, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू
minus 3. C2 is equal to 6. इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 9 प्लस 36 ठीक है इज इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 9 अंडर रूट 49 इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 3 इंटू 7 माइनस 11 अपॉन 27 माइनस 11 अपॉन 21 क्योंकि एक न्यून कोण लेना है इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू 11 बाई 21 या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 11 अपॉन 21 हम जानते हैं कि cos का मान 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस 11 अपॉन 21 के जगह पर प्लस 11 अपॉन हमने 21 लिया यह दो समतलों के बीच का न्यून कोण है अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उस समतल का समीकरण ज्ञात करें उस समतल का उस समतल का समीकरण ज्ञात समीकरण ज्ञात करें जो 1 1 माइनस 1 से होकर जाता है जो 1 1 माइनस 1 से होकर जाता है होकर जाता है से होकर जाता है तथा समतल युग्म तथा समतल युग्म x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0 2x माइनस 3y माइनस 3y प्लस 4z प्लस 4z इज इक्वल टू 0 पर लंब है पर लंब अब देखिए वो समतल का जो 1 1 माइनस 1 से होकर जाता है
और इन दोनों समतलों पर लंब है। ये फर्स्ट या सेकेंड, इन पर लंब है। बिंदु वन वन, बिंदु वन वन माइनस वन से गुजरने वाले समतल का समीकरण, से गुजरने वाले, से गुजरने वाले समतल का समीकरण, गुजरने वाले समतल का समीकरण ए एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस वन प्लस सी जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यदि समतल थ्री, यदि समतल थ्री, यदि समतल थ्री, यदि समतल थ्री समतल वन तथा दो पर लंब है, समतल वन तथा दो पर लंब है, लंब है, इसलिए ए, इसलिए ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो। टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी इज इक्वल टू जीरो। ब्रज गुणन से हल करने पर फोर तथा फाइव को, फोर तथा फाइव को ब्रज गुणन, ब्रज गुणन रीति से हल करने पर, हल करने पर ब्रजगुणन रीति से अब हल कर रहे हैं। देखिए तो ए, जब ब्रजगुणन रीति से हम हल करते हैं तो ए ले लेते हैं तो यह बंद हो जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एट माइनस माइनस नाइन तो प्लस नाइन हो जाएगा इज इक्वल टू बी अपान, बी अपान लिखेंगे तो थ्री अपान टू सिक्स माइनस फोर इंटू ए, सी ये बंद हो जाएगा माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस फोर, या यह हो जाएगा ए अपान सेवेंटीन इज इक्वल टू बी अपान टू इज इक्वल टू सी अपान माइनस सेवन इज इक्वल टू लेमडा, इज इक्वल टू लेमडा। इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू सेवेंटीन लेमडा, बी इज इक्वल टू टू लेमडा, सी इज इक्वल टू माइनस सेवन लेमडा। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू हम थ्री में रख रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू हम थ्री में रख रहे हैं। यहां से देखिए ए बी सी का मान थ्री में रखने पर, थ्री में रखने
पर अब देखिए हम थ्री में रख रहे हैं मान, ध्यान से देखिए ये थ्री में मान रख रहे हैं, ए की वैल्यू है 17 लेमडा, तो 17 लेमडा एक्स माइनस वन प्लस 2 लेमडा वाई माइनस वन माइनस 7 लेमडा जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। लेमडा सभी पदों में है, कट जाएगा, यह हो जाएगा 17 एक्स माइनस 17 प्लस 2 वाई माइनस 2 माइनस 7 जेड माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज दैट 17 एक्स प्लस 2y माइनस 7z माइनस 28 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 28 इज इक्वल टू यही अभीष्ट समतल का समीकरण है। यह दिया हुआ अभीष्ट समतल का समीकरण है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो वन वन माइनस वन से होकर जाता है, तो वन वन माइनस वन से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस वन प्लस सी जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यदि समतल वन, समतल वन तथा टू पर लंब है या इन समतलों पर लंब है, तो हम जानते हैं लंब होने पर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी इज इक्वल टू जीरो। फोर फाइव दो इक्वेशन हो गए, फोर तथा फाइव को प्रजगुणन रीति से हम हल करते हैं। यदि ये लेंगे तो इसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री इंटू माइनस थ्री नाइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर बी रखेंगे तो माइनस थ्री इंटू सिक्स, सिक्स हो गया माइनस फोर इज इक्वल टू सी अपन माइनस थ्री माइनस फोर। Implies that A is equal to 17, B is equal to 2, C is equal to minus 7 is equal to lambda. A is equal to 17 lambda, B is equal to 2 lambda, C is equal to minus 7 lambda. इन मानों को अगर हम 1 में रख दें, A 17 lambda x minus 1 plus 2 lambda y minus 1 minus 7 lambda z plus 1 is equal to 0. जिसे सॉल्व करने पर आ जाएगा 17x plus 2y minus 7 lambda minus 26 is equal to 0। यही अभीष्ट प्लेन का इक्वेशन है, जो दिए हुए प्लेन जो 1 1 minus 1 से होकर जाता है, यही उसका अभीष्ट समीकरण है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उस समतल का समीकरण ज्ञात करें, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें। उस समतल का समीकरण ज्ञात करें उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 4, 1, 4, -2 से होकर जाता है, जो टू वन जीरो, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1, 4, -2 से होकर जाता है, होकर जाता है तथा समतल -2x + y - 3z = 7 के समांतर है, समानांतर है। ठीक है, इसी का समीकरण हमें ज्ञात करना है। दिया गया समतल है, दिया गया समतल है -2x + y - 3z = 7 -CZ = 7 इस समतल के समांतर तल का समीकरण। इस समतल के समानांतर समतल का समीकरण, -2x + y - 3z + λ = 0 परंतु यह बिंदु 1, 4, -2 से होकर जाता है, यह वन फोर माइनस टू से होकर जाता है उससे होकर जाएगा तो उसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड के मान यहां रखने पर लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए -2 + 4 + 6 + λ = -12। लेमडा की वैल्यू हो जाएगी -12। y3z 1, 4, -2 से होकर जाता है,
2x. Minus 8. इसलिए अभीष्ट समतल का समीकरण, इसलिए अभीष्ट समतल का समीकरण माइनस 2x प्लस y माइनस 3z माइनस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस y प्लस 3z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह रहा आपका कंप्लीट इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन यह है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो 1/4 माइनस 2 से होकर जाता है और समतल माइनस 2x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 7 के समानांतर है। यह दिया गया समतल है, इसके समतल का समांतर समतल का समीकरण हो जाएगा माइनस 2x प्लस y माइनस 3z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्योंकि यह 1/4 माइनस 2 से होकर जाता है तो x y z के जगह पर 1/4 माइनस 2 रखने पर लैम्डा की वैल्यू माइनस 8 आ जाती है। अतः दिए हुए समीकरण में लेमडा की वैल्यू 8 रखने पर 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह रहा है आपका अभीष्ट समीकरण।